नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान और आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। असम के जमीन पर नागालैंड द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण का जायजा लेने गए मोरियानी के विधायक पर जानलेवा हमला। इस हमले में बाल बाल बचे कांग्रेसी विधायक रूपज्योति कुर्मी सहित कई पत्रकार और वन अधिकारी। आखिर कब थमेगा असम नागालैंड सीमा विवाद? सालों से दोनों राज्यों के सीमाओं को लेकर चल रहे इस विवाद में कई लोगों की जान जा चुकी है और न जाने कितने संपत्तियों का भी नुकसान हुआ है, मगर आज तक इस सीमा विवाद को लेकर कोई हल नहीं निकला। जब दोनों राज्यों में सीमा को लेकर लोगों में झड़प होता है तो सरकार भी तत्परता दिखाती है, मगर जैसे जैसे दिन पार होता है मामला कहीं गुमसा हो जाता है, जिस वजह से कुछ साल या कुछ महीने बाद फिर दोनों राज्यों के बीच आपसी झड़प सामने आता है। हाल ही में नागालैंड के सीमा को लेकर कार्बियांग जिले में बवाल हुआ था, उसके बाद फिर दो राज्यों के लोगों के बीच सीमा विवाद सामने आया असम के मोरियानी में, जहां विधायक वन विभाग के अधिकारी और पत्रकारों पर नागालैंड की ओर से आए लोगों द्वारा ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। मामले की अधिक जानकारी अनुसार जोरहट जिले के मोरियानी स्थित न्यू सोनवाल अंतर्गत दिसोई वैली संरक्षित वनांचल में नागालैंड के लोगों की ओर से किए जा रहे अतिक्रम का जायजा लेने पहुंचे मोरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी सहित स्थानीय लोगों व पत्रकारों पर नागाओं ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस गोलीबारी के चलते हुए भगदड़ में दो स्थानीय पत्रकार भी घायल हो गए। मगर इस गोलीबारी में विधायक कुर्मी सहित सभी को सुरक्षित बाहर निकाला पुलिस के जवानों ने। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को मोरियानी के विधायक रूपज्योति कुर्मी अपने कुछ कर्मियों व न्यू सोनवाल खंड वन कार्यालय के वन अधिकारी नवज्योति बोरा के साथ असम नागालैंड सीमा पर स्थित दिसोई वैली संरक्षित वनांचल में हो रहे अतिक्रम का जायजा लेने पहुंचे थे। अंचल में अतिक्रम की खबर पाने के बाद स्थानीय पत्रकार भी उनके साथ गए, मगर नागाओं ने इन्हें आते देख इन पर निशाना बनाकर करीबन 20-25 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई गोलीबारी के बाद विधायक के अंगरक्षक और पुलिस के जवान भी हरकत में आए और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से चली गोलीबारी और काफी मशक्कत के बाद विधायक कुर्मी सहित अन्य लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला जा सका। वहीं कल हुए इस मामले को लेकर न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट को विधायक रूपज्योति कुर्मी ने बताया कि विभिन्न मीडिया के जरिए उन्हें दिसोई वैली संरक्षित वनांचल में हो रहे अतिक्रम के बारे में जानकारी मिली। जानकारी पाकर स्थानीय विधायक के रूप में उक्त अंचल में जायजा लेने गए, मगर तभी नागालैंड की ओर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। सारे न्यूज चैनल में खबरें आई, फिर जाके बृहस्पतिवार कल हम इधर आके इस क्षेत्र के विधायक के नाते अगर हम सरकार को कुछ लिखना है, माननीय सीएम साहब को कुछ लिखना है, कोई प्राइम मिनिस्टर जी को कुछ लिखना है, तो हम आंखों से अगर हम नहीं देखेंगे क्या कि कितना जमीन उस कब्जा किया है, कितना पेड़ काटे हैं, कितना घर बनाया है, तो हम अच्छे से एक रिपोर्ट दे नहीं पाएंगे। यही सोचकर गांव के लोगों के साथ जो संबंधित है और 5-6 पुलिस के लोगों के साथ हम कल गए थे और हम लोग का जमीन में ही नागा लोगों ने आके हम लोग का ऊपर जो फायरिंग किए, जो गोली चलाए, ये शर्मनाक घटना है। साथ ही कहा कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देख जब असम व्यस्त है, वैसे में नागाओं ने मौके का फायदा उठाकर असम के जमीन पर घर बना रहे हैं। जो
जो आसाम का जमीन, यहाँ पे करीबन 12 किलोमीटर का जो इलाका 10 किलोमीटर जैसा नागा लोग ने कब्जा कर ही लिया, 2 किलोमीटर जो बचे हुए थे वो भी अभी पेड़ उड़ काट के उसको सब घर बनाने के लिए नया एक गांव बसाने के लिए तैयारी कर रहे थे। कब कर रहे थे ये तैयारी? जब कोविड को लेके सारे आसाम के लोग, अभी सरकार हो या संपादक हो, पुलिस हो या कोई MLA हो, कोई कर्मचारी हो, सभी हम लोग वैक्सीन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ रहे हैं कब टेस्टिंग किट आए, हम लोग लड़ रहे हैं ICU के लिए, ऑक्सीजन के लिए। इस कोविड के दौरान जो नागा लोग आके, उनको ये भी पता है कि नया सा यहाँ पर सरकार बना है, नया सरकार का शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है, जो दिसपुर को लेके सभी व्यस्त रहेंगे, कोविड को लेके सभी व्यस्त है। सारा आसाम के लोग जो मौके को लेके वो लोग नागा लोग आके हम लोग का असम का जमीन कब्जा करने के लिए कोशिश किए थे। बहरहाल मामले को लेकर मोरियानी में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस के शीर्ष आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं और परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।